गृह मंत्रालय के जरिए दिल्ली में एक आला पुलिस अधिकारियों का महाअधिवेशन हुआ, जिसमें महानिदेशक और महानिरीक्षक, पुलिस के आला अधिकारी, टॉप लेवल के लोग पूरे देश से इकट्ठा हुए। कई दिन तक मंथन हुआ और उसमें विचार विमर्श किया गया कि किस तरह के चैलेंजेस पुलिस फोर्स को हैं, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उसके अलावा देश में बढ़ते कट्टरवाद, हिंदूवादी तंजीमों के जरिए जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, और कुछ मुस्लिम तंजीमों का नाम लेकर के अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने संबोधित किया, जो पेपर पेश किए गए वहां पर पुलिस अधिकारियों के जरिए, उनको वेबसाइट पर अपलोड किया गया। उसमें कुछ चीजें ऐसी निकल कर सामने आई जिससे आरएसएस की जो जैली तंजीमें हैं, आरएसएस की जो बहुत सारी हिंदूवादी संगठन हैं, उनके ऊपर कुछ आला अधिकारियों के जरिए सवालात खड़े किए गए और यह कहा गया कि इनकी वजह से देश में कट्टरवाद फैल रहा है और सुरक्षा के लिए ये तंजीमें, ये जमातें चैलेंज हैं। ये चीजें मीडिया में आ गई, कुछ लोगों ने उन पेपर्स को पढ़ा और उसके बाद उस पर रिपोर्टिंग की। लेकिन अचानक इन पेपर्स को गृह मंत्रालय की वेबसाइट से गायब कर दिया गया, उनको हटा दिया गया, क्योंकि एक बड़ी बहस शुरू हो गई थी। जाहिर सी बात है, सरकार का इन तंजीमों पर, चाहे वो बजरंग दल की बात करें या उसके अलावा और बहुत सारी जो तंजीमें हैं, हिंदू सेना की बात करें, इन तंजीमों के ऊपर सवालात खड़े किए गए थे पुलिस अधिकारियों के जरिए। इसके साथ ही पीएफआई का भी नाम लिया गया था और बहुत सारे दो तीन मुस्लिम तंजीमें और हैं जिनका नाम लिया गया था। यानी दोनों ही तरफ से दो दो तीन तीन जमातों का नाम लेकर के, तंजीमों का नाम लेकर के, ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लेकर के ये कहा गया था कि ये राष्ट्र के लिए खतरा हैं, इनसे बड़ा चैलेंज है और इनके जरिए कट्टरपंथा फैल रही है और काफी तादाद में इनके जो कार्यकर्ता हैं वो क्राइम को अंजाम दे रहे हैं इन तंजीमों का सहारा लेकर के। बड़ी खबर थी, लेकिन ये खबर आपने किसी चैनल पर नहीं देखी होगी, गोदी मीडिया पर आपने ये खबर नहीं देखी होगी, कुछ वेबसाइट्स पर जरूर इसको पोस्ट किया गया है और कुछ यूट्यूब चैनल्स ने भी इसको कवर किया है। लेकिन एक बड़ा इशू है जिसको जानबूझ करके मेनस्ट्रीम मीडिया ने नजरअंदाज कर दिया। दिल्ली में पिछले हफ्ते हुए अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षक सम्मेलन में कुछ पुलिस अधिकारियों ने देश में बढ़ते कट्टरपंथ में इस्लामी संगठनों के साथ साथ हिंदू संगठनों की भूमिका को भी रेखांकित किया है। इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है जिसके मुताबिक ये जानकारी इस बैठक में शामिल हुए अधिकारियों की ओर से दिए गए दस्तावेजों से निकलकर सामने आई है। ये दस्तावेज कुछ समय के लिए सम्मेलन की वेबसाइट पर मौजूद रहे, लेकिन बीते बुधवार को इन्हें यहां से हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। 20 से 22 जनवरी तक चले इस सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे। इनमें से एक दस्तावेज में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों को कट्टरपंथी संगठन बताया गया है। एक अन्य दस्तावेज में कहा गया है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस, हिंदू राष्ट्रवाद में बढ़ोतरी, गौमांस को लेकर होती हत्याएं और घर वापसी आंदोलन आदि युवाओं को कट्टर बनाने के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन बिंदुओं को इस्लामी कट्टरपंथ और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों की विचारधारा का सामना करने के लिए जरूरी उपाय तलाशने की पृष्ठभूमि में उठाया गया था। कई अधिकारियों का यह भी मानना था कि मुसलमानों को कट्टर बनाने से रोकने के लिए राज व्यवस्था में उन्हें ज्यादा प्रतिनिधित्व देने के साथ साथ आरक्षण दिया जाना चाहिए। एसपी रैंक के एक अधिकारी की ओर से पेश किए गए पेपर में लिखा है कि अति दक्षिणपंथी व्यक्तियों या संगठनों का देश को लेकर एक बेहद स्वेच्छाचारी विचार है, जिसमें राष्ट्र और उसमें रहने वाले लोग मूल रूप से पहचान के स्तर पर एक ही हैं और उन्हें एक इकाई में समाहित हो जाना चाहिए। भारत
एक बहुलतावादी समाज है, लेकिन दिखाया जा रहा है कि ये समाज बहुसंख्यवाद की ओर बढ़ रहा है। कुछ संगठनों के नाम लिए जाएं तो ये आनंद मार्ग, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू सेना आदि हैं। इस अधिकारी ने इस्लामी कट्टरपंथियों को एक बड़ा खतरा भी बताया है। इस अधिकारी ने अपने पेपर में लिखा है कि इस्लामी विचार मूल रूप से दुनिया को दो भागों में बांटती है, जिसमें एक तरफ मुसलमान समुदाय है और दूसरी तरफ शेष दुनिया है। इस सोच को रखने वाले उदाहरण PFI और उससे जुड़े संगठन दावत इस्लामी, तौहीद केरला, नदवतुल मुजाहिदीन, खासतौर से इन तंजीमों का नाम, इस्लामी संगठनों का नाम इस अधिकारी के जरिए लिया गया। लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा हो गया है इस पेपर के लीक होने के बाद, वेबसाइट पर जब डाला गया कि कहीं ना कहीं कुछ अधिकारी ये बात मानते हैं कि हिंदू संगठन देश के लिए खतरा हैं, खासतौर से जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद और बहुत सारी सेनाओं के जो छोटे छोटे संगठन हैं उनके नाम लिए गए हैं, और उसमें कहीं ना कहीं इनको ये कहा गया है कि ये देश में नफरत फैला रहे हैं और कहीं ना कहीं माहौल खराब इनके जरिए किया जा रहा है। तो अब ये सवाल खड़ा होता है, ये बात जो कही गई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में अधिकारियों के जरिए, क्योंकि इस सम्मेलन में, 3 दिन चलने वाले इस सम्मेलन में अमित शाह ज्यादातर मौजूद रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सम्मेलन में शामिल हुए थे, उन्होंने भी अपनी बात अधिकारियों के सामने रखी थी, गृह मंत्री ने भी अपनी बात अधिकारियों के सामने रखी थी, और उसके बाद जिस तरह की चीजें पुलिस अधिकारियों के, आला अधिकारियों के जरिए, टॉप लीडर, टॉप अधिकारी जो थे देश के, वो खड़े हुए थे, और उनके जरिए जिस तरह से मुस्लिम तंजीमों को तो नाम लिया ही जाता है, तमाम मीडिया उसको दिखाती है, PFI की बात करें जिस पर पूरी तरह से पाबंदी भी लगा दी गई है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब बड़े अधिकारी देश के इन हिंदू तंजीमों के नाम लेकर के ये कहते हैं कि ये देश के लिए खतरा है और ये नफरत फैला रहे हैं, तो क्या इनके ऊपर भी पाबंदी नहीं लगनी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है, बार बार ये सवाल खड़ा होता है। जिस तरह से PFI को लेकर ये कहा गया कि इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहती थी PFI, लेकिन आप देख रहे होंगे पठान के वक्त जिस तरह से कुछ लोगों के जरिए, एक देश का जो साधु जिसके ऊपर काफी बहस चल रही है, उसने खुलकर कहा, हिंदू राष्ट्र की उसने बात की। उसके अलावा आप देख रहे हैं किस तरह से बहुत सारे चैनलों के जरिए बार बार ये बात कही जा रही है, हिंदू राष्ट्र की बात कही जा रही है, और सुरेश चौहान के खासतौर से अभी 2 दिन पहले एक प्रोग्राम में उसने हिंदू राष्ट्र की शपथ दिलाते हुए कई बार वो सामने आया है, और कई पंडितों के जरिए ये बात बार बार कही जाती है, हिंदूवादी संगठनों के जरिए मंच से यह बात बार कही जाती है, नारे लगाए जाते हैं, पुलिस की मौजूदगी में शपथ दिलाई जाती है, लेकिन वो संविधान जो सबको साथ लेने की बात करता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात करता है, जिसमें तमाम धर्म के लोग आते हैं, किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं करता, किसी राष्ट्र के किसी धर्म की बात नहीं करता, लेकिन अगर आप इस्लामी राष्ट्र की बात करते हैं तो आप देशद्रोही हैं, बिल्कुल होना चाहिए, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो उस पर कोई एक्शन नहीं। यह दोहरा रवैया कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। और जिस संविधान की है हम बात करते हैं, जिस संविधान को सर पर रखने की बात कही जाती है, और यह कहा जाता है कि देश का संविधान बहुत सबसे ऊपर है और होना भी चाहिए, और इसकी तारीफ की जाती है कि जिस तरह से इस संविधान को बनाया गया है तमाम मजाहिबों का ख्याल रखते हुए, एक अच्छा संविधान, बहुत शानदार संविधान भारत का बना है, लेकिन उसमें एक धर्म के मानने वालों को बिना वजह, हालांकि उसके लिए कोई सबूत नहीं है, कभी किसी इस्लामिक संगठन ने खुलकर के नारा नहीं लगाया है कि देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र के नारे रोजाना सामने आते हैं, तमाम चैनलों पर चलते हैं, सोशल मीडिया पर चलते हैं, कोई FIR तक दर्ज नहीं की जाती, वो राष्ट्रद्रोह नहीं है, क्योंकि बात हिंदू की हो रही है। शुक्रिया आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताएं, हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन दबाएं, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।